अस्सलाम वालेकुम। अब जो मेरी नेक्स्ट जो इस एप्लीकेशन पे जो नेक्स्ट वीडियो है वो है सिम इन्फॉर्मेशन। आपको अपने मोबाइल की सिम इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चलेगा, वो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो इसमें इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आप लोगों को सिम इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप में कौन सी सिम यूज़ कर रहे हैं। आपकी सिम वन, सिम टू में जैज़ है, टेलीनॉर है, कौन सी भी सिम है ना, तो आपको इस सिम इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको सारा पता लग जाएगा, ठीक है ना, कि हम सिम की इन्फॉर्मेशन हम किस तरह ले सकते हैं। तो जी चले क्लिक करते हैं हम सिम इन्फॉर्मेशन पर। अब देखें ना, यहाँ पर कह लिखो इफ़ यू रिजेक्ट दिस आर परमिशन, आपको ना परमिशन डिनाई करनी है या आप लोगों ने येस करना है। डिनाई मीन कि आप लोगों ने नो करना है, येस करना है। इफ़ यू रिजेक्ट दिस आर परमिशन यू कैन नॉट यूज़ एप्लीकेशन प्रॉपरली, अगर आपने इसको डिनाई किया तो आप इस एप्लीकेशन को या सेम इंफॉर्मेशन को आप यूज़ नहीं कर सकते। प्लीज़ टर्न ऑन परमिशन एट सेटिंग परमिशन, तो आप किस में करेंगे क्लोज, अगर करेंगे तो आपको सेम की इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा। अगर आप सेटिंग पे जाएंगे तो सेटिंग में आपको तमाम सिम की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग जाएगा। तो ज़ाहिर है हमने सेटिंग पे जाएंगे क्योंकि हमने सिम की इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम क्लोज तो नहीं कर सकते, हमने सिम की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो जी चलते हैं हम अपनी सिम की इन्फॉर्मेशन पे, सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद देखें तो आप डायरेक्ट अपने ही इस पर आ जाएंगे। तो इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, माई फ़ोन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्जन कौन से आपका 1.5 है, इसको आप ओपन करें, फोर्स करें, इंस्टॉल करें, ये आपकी मर्ज़ी है। स्टोरेज इसमें कितनी है, इसमें है 38.72 MB स्टोरेज है। डाटा यूजेज, अच्छा स्टोरेज में अब हम देखते हैं तो स्टोरेज में अगर आप देखेंगे ना तो इसने कितनी टोटल ली हुई है, 38.73। एप्लीकेशन के 29.17 MB डाटा इसने कितना किया ना, अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको क्लियर कर देना है डाटा को तो आप क्लियर डाटा कर सकते हैं, इसमें सारे कैचेस भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें कितने कैचेस हैं, 438 KB इसमें कैचेस हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा यूजेज स्टिल, कि इसने कितना डाटा यूज़ किया हुआ है, डाटा इसने कितना टोटल जो है इसने मतलब कि 8.88 KB इसने यूज़ किया हुआ है। फोरग्राउंड में 0 है, बैकग्राउंड 8.88 KB, डिसेबल मोबाइल डाटा, डिसेबल वाईफाई, बैकग्राउंड डाटा, ये सब बैकग्राउंड डाटा मैंने इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने इसको ऑन किया हुआ है, वाईफाई को डिसेबल किया हुआ है और मोबाइल डाटा को इन्होंने क्या किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है। इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें, मज़ीद अगर हम पीछे जाएँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें बैटरी यूजेज इसमें कौन सी है। बैटरी यूजेज में अगर आप देखें तो रन इन बैकग्राउंड, डोंट रन इन बैकग्राउंड, स्मार्ट बैकग्राउंड रनिंग, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी देखते हैं मज़ीद इंफॉर्मेशन, मज़ीद इंफॉर्मेशन में अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बैटरी यूसेज देखेंगे कि इसकी बैटरी यूसेज कितनी है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे मैनेज नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपने इसकी मतलब कि परमिशन क्या करनी है, अलाउ करनी है तो आप बताएँ, और अगर आपने इसकी या डिनाई करनी है तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं कि अगर आपने उसकी डिनाई। तो आप देखिए ना, अभी सिस्टम ऐप्स में भी ऐसे होता है कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी ऐप्स हैं, क्लोन फ़ोन है, एंड्राइड फ्रेम वर्कर्स है, और ये .com एंड्राइड वर्क CTS फ्री PRI भी है, और दूसरा इसमें यूट्यूब वाली भी है, और इसमें कौन सी एप्लीकेशन है, इसमें मेरी यूट्यूब की भी सिस्टम है इंस्टॉल है, और क्यू कलर है, एंड्राइड सर्विस लाइब्रेरी है इसमें, ठीक है। तो ये देखे ना सारी चीज़ में, इसमें जितनी भी सिस्टम, इस सिस्टम में कितनी एप्लीकेशन हैं वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। गूगल एंड्राइड सर्विस है इसमें, .com QALCOWM QL.com वाली भी है इसमें, और इसमें पावर मॉनिटर, ये सारी चीज़ें अब वो हैं जो आपके मोबाइल में है, जो एप्लीकेशन आपको, वायरस की पूरी सेटिंग है इसमें, डायनामिक सिस्टम अपडेट्स है इसमें, और गूगल भी है इसमें, ज़ाहिर गूगल की भी एप्लीकेशन है इसमें, लॉक स्क्रीन मैगजीन वाली भी है, स्मार्ट साइड बार भी हैं इसमें, और क्या इसमें कैलेंडर स्टोरेज है इसमें, मीडिया स्टोरेज है, और इसमें क्या लोकेशन पिकर है, एंड्राइड शेयर्ड लाइब्रेरी भी है इसमें, ये देखें वाईफाई RxSense टेस्ट भी है, MBN टेस्ट है, .com एंड्राइड वाल पेपर ये भी हैं इसमें, ऐप इन्हांसमेंट सर्विसेज है, अच्छा ये देखें क्लाइन वन भी है इसमें, आफ्टर सेल्स सर्विस ये देखें, इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप देख लें ओप्पो के, ये भी आपको सारी नज़र आ जाएंगी इसमें, और एक्सटर्नल स्टोरेज इसमें कितनी है ये भी सारे इन्होंने इसमें डिटेल से बताया हुआ है। HTML व्यूअर्स है, और इसमें क्या है जी क्विक चेक भी इसमें है, और USA सिम सर्विसेज हो गया, कंपेनियन डिवाइस मैनेजर हो गया, वेदर सर्विसेज भी हैं इसमें, और इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, डाउनलोड मैनेजर, डाउनलोड मैनेजमेंट,
अच्छा, और इसमें अथीना हो गया, नेटवर्क स्टॉक हो गया, कॉन्टैक्ट ब्लैकलिस्ट, और ये सारी चीज़ें ना आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऐप्स में ना आप लोग देखें ये सारी चीज़ें ना इसमें हैं। अब सी ए सेट ऐप भी है इसमें, कॉन्टैक्ट, और जो मतलब कि ऐसे कॉन्टैक्ट जिसको आप ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो उसमें ये सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट भी इसमें मौजूद है। और ये भी है इसमें कैरियर लोकेशन सर्विस, आप देख रहे हैं सर्कुलर में ये, अच्छा विंडोर की UTI, और ये कन्फिग अपडेटर हो गया, वाईफाई बैक हो गया, और ये देखिए ओपन ID, कॉन्फ्रेंस URI, डायलर, ठीक है ना, डायलर ये भी है, और इसमें ये फोकस मोड, एंड्रॉइड, अच्छा AR कोर, गूगल प्ले स्टोर है। गूगल प्ले स्टोर भी मैंने आपको बताया मेरे मोबाइल में ज़ाहिर इंस्टॉल, आप में भी होगा, तो गूगल प्ले स्टोर से हम हर किस्म के एप्लीकेशन जो थे उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। पैक प्रोसेसर है इसमें, सिम ऐप डायलॉग ये भी इसमें है, सिम ओप्पो शेयर भी, ये देखिए ना ओप्पो शेयर की ये निशानी हो गई, देखिए इसमें ओप्पो शेयर भी मौजूद है, और इसमें देखिए DOLBY DOLBY भी है इसमें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें और फुल वॉच किया करें। थैंक यू सो मच।